आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज इस केस को वापस ले लीजिए। क्या कह रहा है तुमसे? कह रहा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ और इसके पास चली जाऊँ। मैडम जी, मधु ने संजू पे जो भी इल्जाम लगाए हैं वो सब, जहाँ पर आप ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो राजीव है उसके पक्ष में कोई भी वकील नहीं है, वकील हायरिंग के लिए आया तक नहीं है, और यहाँ पर राजीव का केस अब कोई और नहीं बल्कि नीति लड़ती हुई दिखाई देगी। जितनी दलीलें हैं नीति ही पेश करेगी। परी तो अपनी कोशिश कर ही रही थी, लेकिन परी जो है अभी तक कुछ कर नहीं पाई है। अब नीति जो है, नीति यहां पर राजीव का केस लड़ते हुए दिखाई देगी और सारी दलीलें राजीव के पक्ष में पेश करती हुई भी दिखाई देगी। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? क्या राजीव को यहां पर बाइज्जत बली कर दिया जाएगा? क्योंकि मधुलिका का केस स्ट्रांग है और इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि शैली है, यानी कि जो पूरा मास्टरमाइंड है नीति का होने वाला पति ही है, और वो भी इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि यहां पर उसे लगता है कि जो नीति है वो राजीव के प्यार में है, तो राजीव को ही मुझे रास्ते से हटा देना चाहिए। लेकिन जब यहां पर शैली ने ये बात परी को समझाई थी कि नीति प्यार करती है, तो परी ने विश्वास नहीं किया। अब आने वाले एपिसोड में शैली इस तरीके से राजीव और परी से बदला ले रहा है। नीति इस बात से बेखबर है, बस नीति ये सोच रही है कि कैसे मुझे संजू को परी से पहले जेल से बाहर निकालना है। इसलिए नीति भी अपनी पूरी कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है, जो भी उससे बन रहा है वो कर रही है। अब ऐसे में आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है बड़ा ट्विस्ट, जहां पर आप देखने वाले हैं कि किस तरीके से शो की कहानी आगे बढ़ती है। खैर, फिलहाल के लिए तो इतना ही। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए अपनी राय और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।